सब्जेक्ट स्पेसिफिक बोलो बोलो हाथ हिलाओ। हम आरएमएस से सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स हैं और 2017 में हमारे जो है पहली जो थी एडवर्टीजमेंट आई थी और उसके बाद जो है हमें जो है पूरा एक साल लगा, एक साल का पूरा प्रोसेस हुआ जिसमें हमारा रिटन टेस्ट हुआ, हमारा मेरिट बना पूरे 20 डिस्ट्रिक्ट का और उसके बाद हमारी रिक्रूटमेंट हुई 26 फेब को हमारी रिक्रूटमेंट हुई। पहला ऑर्डर हमें इन्होंने जो है एक साल का ऑर्डर दिया जो है और उसके बाद जो है इन्होंने 26 फेब 2019 को हमें टर्मिनेट किया और उस टर्मिनेशन के बाद इन्होंने हमें फिर से 3 महीने के लिए रिहायर किया। 3 महीने के बाद उसके बाद 1 महीने के लिए हमें इन्होंने रिहायर किया और जो लास्ट हमारी टर्मिनेशन हुई है दैट वाज ऑन 15 अगस्त 2019। ये चल रही है बट यहाँ पर हमें क्या है इन्होंने 3 बार टर्मिनेट किया और अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात ये है हमारा प्रॉपर रिटन टेस्ट हुआ, प्रॉपर हमारे स्क्रीनिंग हुई और फिर मेरिट बना, मेरिट बनने के बाद हम लोग अंदर आए और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे जो क्वालिफिकेशन रखी गई थी, जो एलिजिबिलिटी रखी गई थी टेस्ट। चलो जी सर, मेरा नाम पवन सिंह है, मैं आरएमएस एसोसिएशन का जो है प्रेसिडेंट हूँ जम्मू डिवीज़न से। तो हमारी ये अपील है एलजी साहब से कि हमें जो है टर्मिनेट कर दिया था इन्होंने 15 अगस्त 2019 को, जबकि हमारा प्रॉपर रिटन टेस्ट हुआ था, हमारी प्रॉपर स्क्रीनिंग हुई थी पूरी प्रॉपर 20 डिस्ट्रिक्ट्स में ये हुआ था और उसके बाद जो है इन्होंने हमें जो है 15 अगस्त 2019 को इन्होंने टर्मिनेट कर दिया। टीचर्स को जो था इन्होंने फेलिसिटेट करना चाहिए था, इनको ऑनर करना चाहिए था और उसके बजाय जो हमने 15 अगस्त 2019 को हमें क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। तो आप सोचिए कि एक टीचर को 15 अगस्त 2019 को टर्मिनेट कर दिया, व्हाट वुड बी गोइंग ऑन इन हिज माइंड, व्हाट ही वुड बी थिंकिंग। और मोर ओवर सिंस फ्रॉम लास्ट 10 मंथ्स वी आर सिटिंग आइडल एट होम, आर पेरेंट आर चिल्ड्रन दे आर अबाउट टू स्टार्व नाउ, 10 मंथ्स वी हैवन गॉट एनीथिंग, पीपल आर जस्ट गोइंग फॉर यू नो दिस लॉकडाउन सिंस फ्रॉम लास्ट 3 मंथ्स बट वी आर अंडर लॉकडाउन सिंस फ्रॉम लास्ट 10 मंथ्स, वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर। दिस इज अपील टू द गवर्नर साहब, एल जी साहब एंड टू द असगर समून साहब, प्लीज लुक इन टू द मैटर, ट्राई टू सेव द फ्यूचर ऑफ दीज हाईली एजुकेटेड पीपल बिकॉज वी आर ऑल हाईली क्वालिफाइड एंड द बेसिक एलिजिबिलिटी आई टोल्ड यू दैट वॉज पीजी बीएड, दिस वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ J&K दैट द बेसिक एलिजिबिलिटी फॉर द टीचर वॉज पीजी बीएड। बेसिकली दिस इज यू नो फॉर द एलिजिबिलिटी फॉर द यू नो हायर पोस्ट लाइक यू नो लेक्चरर्स एंड यू नो प्रोफेसर्स ओनली। कितने सालों से जो टर्मिनेट किया गया, कितने साल उन्होंने काम किया? हमने जो है पहले जो हमारी टर्मिनेशन मैंने बताया एक साल का पीरियड इन्होंने हमें दिया और उसके बाद जो है हमें इन्होंने जो है 3 महीने के लिए हायर किया और उसके बाद फिर से हमें इन्होंने 1 महीने के लिए हायर किया और उसके बाद हमें तकरीबन 8 महीने हो गए, 10 महीने हो गए तब से हम लोग घर में बैठे हुए हैं। और ये स्कीम ऑल ओवर इंडिया में चल रही है, ये सिर्फ यहाँ पर नहीं चल रही, ऑल ओवर इंडिया में चल रही है। समग्रा के अंडर आती है, जो SSA वाले हैं ये पढ़ाते हैं 8वीं तक, हम रमसा वाले 9वीं और 10वीं को पढ़ाते हैं और ये समग्रा के अंडर आती है जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सारा पैसा सेंटर से आता है बट टिल नाउ वी आर हैविंग नथिंग, हमें इसमें कुछ नहीं मिल रहा है और हमें लोगों ने जो है बाहर बिठा के रखा है। बट प्रशासन से क्या डिमांड है? नहीं, हम रिक्वेस्ट करते हैं, वी अपील टू द LG साहब, वी अपील टू द यू नो असगर समून साहब, प्लीज़ लुक इन टू द मैटर, ट्राई टू सॉल्व एज अर्ली एज पॉसिबल बिकॉज इट इज़ द मैटर ऑफ 550 फैमिलीज, बिकॉज वी वर 550 पीपल हु वर रिक्रूटेड एंड इट इज द मैटर ऑफ 550 फैमिलीज, ट्राई टू सेव आर फैमिलीज, ट्राई टू सेव आर फ्यूचर ऑल्सो बिकॉज मोस्ट ऑफ दी पीपल आर गोइंग टू गेट ओवर एज ऑल्सो एंड मैनी ऑफ आर कुलीग्स दे हैव दे आर यू नो नेट सेट एंड PhD क्वालिफाइड पीपल।